सो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में बोर्ड परीक्षा के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। सो दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों आप लोग भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करें और बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इस लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन भाई गुप्ता। जो आप चाहे पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन इसको भी दबाई के लाओ कर ली, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दी, क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है, तो एक लाइक बनता है, एक लाइक जरूर कर दी। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दी, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे लिंक या चैनल प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में साइंस के जितने ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही प्रश्न को आप लोग ध्यान सुने कोशिश करके अच्छी तरह से याद कर सके। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में साइंस के जो भी प्रश्न है, प्रश्न का आंसर आप सभी को पहले से मालूम है तो नीचे जाके कॉमेंट करिए, ताकि आप सबको भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते, एक एक करके सही प्रश्न को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे और सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि ये इस वीडियो में जितने ही प्रश्न हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों हम अच्छी तरह से सही प्रश्न को देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे और हम जो आपको आंसर बताएंगे उससे पहले आप लोग अपना आंसर जरूर कॉमेंट करेगा। स्क्रीन पर आप देखते हैं प्रथम प्रश्न की प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था, इसका राइट आंसर हम बात कर लेते, इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर यूरिया। तो दोस्तों आपको याद है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था तो यूरिया था, एक का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते, जो दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न कराए कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है कौन सा है, इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है सेलुलोज। यस, तो ये जो कार्बनिक यौगिक है जो कि प्राकृतिक में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो दो का जो सेंस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते, जो तीन प्रश्न कर रहा है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है, इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर कार्बन। तो तीन का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते, जो चार प्रश्न कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है, इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है मेथेनॉल। तो दोस्तों चार का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते, पांचवा प्रश्न कराए कि एथिलीन IUPAC नाम है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा, इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है इथिन। यस, तो इथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा, तो इथिलीन हो जाएगा, ठीक है, एथीन हो जाएगा, इथिलीन नहीं बल्कि एथीन हो जाएगा, पांच का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते, इससे पहले आपको बता दें अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जल्दी से जुड़ जाए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या आपको टेलीग्राम पे जाना हो आपको सर्च करना एजुकेशन भाई गुप्ता जी, वहाँ पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। जुड़ने से आपको एग्जाम के टाइम में काफी हेल्प मिलेगा, तो जाके जल्दी से जुड़ जाए। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते, जो छह नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा है कि
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का जो कि मध्यमा संकेत करती है। शुक्र है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। क्या संकेत करती है इसका राइट इसका हम बात कर ली कि इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा जो कि संकेत करती है। छह का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, जितने भी प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो कि हम खुद से टाइप करके यहाँ पे बनाए हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखती जो सातवां प्रश्न करा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है यूरेनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है तो यूरेनियम है इसका स्रोत। सात का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते जो आठवां प्रश्न करा है कि कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है। सो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या होगा। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है CaO। यस तो कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या होगा तो CaO होगा। आठ का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते नौवें प्रश्न की जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पे पूछ सकता है एग्जाम में कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो नौ का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते जो दसवां प्रश्न करा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर अम्ल। दस का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते ग्यारह प्रश्न की निम्न में से कौन जैव नवकरणीय कचरा है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में से कौन जैव नवकरणीय कचरा है। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है टिश्यू पेपर। ग्यारह का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते जो बारहवां प्रश्न करा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं। एक्स वाई होता है या एक्स एक्स होता है या एक्स वाई और एक्स होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि काफी बार पूछे गए प्रश्न है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है जो कि एक्स एक्स। यस तो स्त्री में जो गुणसूत्र होता है वो एक्स एक्स होता है और हम बात करें तो पुरुष में एक्स वाई दोनों होता है। तो 12 का जो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते जो 13 प्रश्न करा कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। नीचे चार ऑप्शन है इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर मेंडल। यस तो यही है जो कि अनुवांशिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 13 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी आप ही की तरह तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहें प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देखिए सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। सो दोस्तों आप लोग चाहे पे ना हो चाहे सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए के लाओ करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। अगले प्रश्न आप ही देखते जो 14वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न करा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। सो दोस्तों यहां पे जो प्रश्न करा है कि जो कि यहां पे कह रहा है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो कि स्रावित होता है। सो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है पीयूष ग्रंथि से। तो दोस्तों 14 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते जो 15 प्रश्न कराए कि हमारे शरीर की सभी
ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है। यह तो कराए कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, जिसका ये सही आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है पर मस्तिष्क से। यस, तो हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है तो पर मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। 15 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न करा है कि यहाँ पे 16 प्रश्न करा है कि मानव में जो कि यहाँ पे ग्रहण ग्राही स्थित होता है। सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि मानव में ग्रहण ग्राही स्थित होता है, इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो सही जो प्रश्न इसमें डाउट लगा है यहाँ पे, यहाँ जो प्रश्न कह रहा है कि मानव में ग्रहण ग्राही स्थित होता है, तो इसका जो सही आंसर है हमको लगता है इसका जो सही आंसर बी होगा, क्योंकि नाकों में यह जो कि स्थित होता है। 16 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 17 प्रश्न कराए कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है गुलाब पुष्प। यस, तो आपको याद है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, तो गुलाब जो कि यही है जो कि द्विलिंगी पुष्प है। 17 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते जो 18 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि काला जर बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पे है इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि लास्मानिया के कारण यह होता है। यानी तो काला जोर बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, तो लास्मानिया के कारण यह बीमारी होता है। 18 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 19 प्रश्न की विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। सो दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी को पहले से पता होगा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है वाट प्रति घंटा। यस, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट प्रति घंटा होता है। 19 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो 20 प्रश्न कर रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितना होती है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर होती है। यानी तो इसका जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते हैं कि इस प्रश्न की निम्न में से किस माध्यम का जो कि अपवर्तनांक अधिक है। यानी तो कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हीरा। तो दोस्तों हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह अधिक होता है, किसका जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो प्रश्न करा है कि 22 नंबर ये प्रकाश की किरण गमन करती है। सो दोस्तों इसका भी आंसर आप सभी को पहले से पता हुआ, क्योंकि प्रकाश की किरण जो गमन करती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे हम ले ले जो टॉर्च, यानी टॉर्च को जब बारेगा तो वह क्या सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सीधी रेखा में। यानी तो प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है, 22 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखती जो 23 प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है, नीचे चार ऑप्शन दिया इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आयोडीन। यानी दोस्तों ये अधातु जो कि चमकीला है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते हैं जो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। सो दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो नीचे यहाँ पे देखते चार ऑप्शन है जी, कुछ देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए है में दिया है, दो ऑप्शन बी है यहाँ पे 6 और ऑप्शन सी में यहाँ पे 3 दिया है और ऑप्शन जो कि डी में 4 दिया है। यानी कितने संख्या होते हैं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर 2। यानी तो ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, 24 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते 25 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, इसका राइट आंसर हम बात कर ली तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है
जो कि प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया परजीवी है। 25 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में क्लास 10 यानी कि साइंस के कुल यहाँ पे 25 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही सही नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करिए। उम्मीद करते यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और हम आपको बता दें कि इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो।